नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत मलिक है। मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन यशोदा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ और आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी, जिसे आम भाषा में सीजर, दौरा या मिर्गी भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही सामान्य बीमारी है और आज हम इसी सामान्य बीमारी के बारे में आपसे बात करेंगे। भारत में यदि बात की जाए तो हर 1000 में 5 लोगों को ये बीमारी पाई जाती है। हमारे देश में इस बीमारी को लेकर कई एक मिथ्स हैं, कई एक गलत जानकारियां हैं, लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के डर हैं, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। हमारे देश में यदि किसी को मिर्गी होती है तो कहा जाता है कि हो सकता है उस पर देवी का प्रकोप हो, चुड़ैल का प्रकोप हो, ऐसे आदमी की कभी शादी नहीं हो सकती या बच्चे नहीं हो सकते, अगर बच्चे होंगे तो उनको मिर्गी होगी ही होगी। ये सारी गलत जानकारी हमारे समाज में है, जिस कारण मिर्गी के मरीजों के साथ भेदभाव होता है, वह उनका सही उपचार भी नहीं कराया जाता है। बेसिकली आज हम बात करते हैं मिर्गी होती क्यों है। अगर हम आम भाषा में आपको बताना चाहें तो हमारे मस्तिष्क में जो करोड़ों नसें हैं, जब उनके करंट में स्पार्किंग हो जाती है किसी भी नस में, तो ये मिर्गी यानी कि सीजर आता है मरीज को। अगर और भी हम सिंप्लीफाई तरीके में समझना चाहें तो सुनिए कि हमारा दिमाग मानिए एक कंप्यूटर की तरह है, जिसमें 1000 करोड़ नसें हैं और ये एक बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, एक माया जाल सा बना हुआ है। हर नस का अपना काम है, कोई सुनने से संबंधित है, कोई दिखाई देने से संबंधित है, कोई आपकी याददाश्त से संबंधित है, कोई सिग्नल कैरी करता है आपके पैर के अंगूठे पे, तो कोई सिग्नल कैरी करता है उंगली पे। हर नस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है बेसिकली। तो ये जो नसें हैं ये सारी ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है और इन नसों में करंट चल रहा है। करंट कितना? 15 से 20 माइक्रोवोल्ट करंट चल रहा है, जबकि हमारे घरों में तो 220 वोल्ट करंट आता है। जब हमारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि जो नसें बेसिकली एक दूसरे से बची हुई रहती हैं शॉर्ट सर्किट से, नसों पे एक माइलिन कवर होता है जो उसे इंसुलेट करता है, जो उसे एक दूसरे से बचाता है करंट क्रॉस सर्किट से, या तो जब वो माइलिन डैमेज हो जाता है, कोई सिर की चोट लग जाती है या फिर कोई और परेशानी के कारण ये क्रॉस सर्किट होता है, तो ये जो करंट 15 से 20 माइक्रोवोल्ट मैंने आपको बताया रहता है नसों में, वो बढ़ जाता है 200-300 माइक्रोवोल्ट तक चला जाता है, जो मिर्गी पैदा करता है। मिर्गी कई प्रकार के होते हैं, तो जिस भी एरिया को ये अफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ की नस वाले एरिया में स्पार्कलिंग हुआ है तो जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके हाथ की नस में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ अचानक से हिलने लगना है ना, अगर डिफ्यूज है, जनरलाइज्ड है, तो वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये 15 से 20 सेकेंड में कंट्रोल हो जाता है। कुछ केसेस में मरीज बेहोश भी हो जाता है, पर अक्सर देखा जाता है थोड़ी देर बाद मरीज को होश आ जाता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें ये दौरे बार बार आते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूस स्पार्कलिंग होती रहती है, उन केसेस में मरीज बार बार परेशान होता है, उसे बार बार मिर्गी के झटके आते हैं। कुछ केसेस में अगर हम बात की जाए तो अचानक से मिर्गी के झटके के दौरान या उसके बाद हृदय गति रुक जाने के कारण जान को भी खतरा बन जाता है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों में, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चों में, उनमें अक्सर देखा गया है जब उन्हें बहुत तेज बुखार होता है तो वो बुखार की गर्मी के कारण भी स्पार्कलिंग हो जाती है दिमाग में, जिस कारण उन छोटे बच्चों को भी दौरा आ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कारण, क्यों होता क्यों है ये मिर्गी। जेनेटिक, सबसे पहले हम जेनेटिक कारण की बात करते हैं। अगर माता पिता को मिर्गी है तो जरूरी नहीं है उनके बच्चों में भी मिर्गी आए। 1/4 केसेस में, 1/4 केसेस में ही बच्चों में ट्रांसमिट होती है, और उसमें भी अगर पूछा जाए, एक केस में माँ को मिर्गी है और एक केस में बच्चे के पिताजी को मिर्गी है, तो उस केस में ऐसा देखा गया है कि जिनमें माँ को मिर्गी होती है उस केस में ट्रांसमिशन के यानी कि बच्चे को दौरा आने का रिस्क ज़्यादा होता है पिता की मिर्गी होने की अपेक्षा। नेक्स्ट कॉमन कारण की बात कर लिया जाए तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, इंडिया में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बहुत कॉमन है। ये एक प्रकार के कीड़े का इन्फेक्शन है, जहाँ पे वो जो एग्स है वो हमारे ब्रेन में चले जाते हैं, कीड़े की गांठ बन के दिमाग में मिर्गी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा चोट लगना, ट्यूमर्स, लकवा आना, स्ट्रोक, जिसमें कई कुछ केसेस में दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है,
और कुछ केसेस में दिमाग की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ये सब भी कारण होते हैं मिर्गी आने। मिर्गी हर उम्र में हो सकती है। कुछ प्रकार होते हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, कुछ होते हैं जो बूढ़े लोगों में ज़्यादा होते हैं। अगर फीमेल और मेल में बात की जाए तो दोनों में ही एक अलग अलग प्रकार की मिर्गियों का रिस्क रहता है। फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये क्यों? क्योंकि वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती हैं और ट्रीटमेंट भी उसके साथ चेंज होता है, डोज रिक्वायरमेंट भी उन केसेस में हमारी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब बचपन से वो युवा अवस्था में आती हैं, जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, शरीर में कई एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं, खासकर से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल, जो दो फीमेल हार्मोन्स हैं, वो जब बढ़ते हैं, वो एक टाइप से ईस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेंट का काम करता है, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम, पीरियड्स के टाइम पे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेम वे जब फिर उसके बाद शादी होती है, प्रेगनेंसी से पहले कुछ एक ऐसी दवाएं होती हैं दौरे की जिनको चेंज करना चाहिए या जो बंद करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल, एक वेलप्रोएट है, सोडियम वेलप्रोएट, वो बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छी दवा नहीं है। उसके उसे टेरेटोजेनिक कहा जाता है, यानी कि यदि माता उस दवा को ले रही है तो बच्चे में डिफेक्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी दवा चल रही है तो प्रेगनेंसी से पहले दौरे वाले मरीजों की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसी दवाइयों को चेंज किया जाता है, उन्हें बंद किया जाता है और कुछ एक सेफ मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। बेस्ट ये रहता है जब हम अगर हम उन दवाइयों को बंद कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मरीज को 3 साल हो गए हैं और दौरा नहीं आया है तो हम सेफली दवाइयों को मेजॉरिटी केसेस में बंद कर सकते हैं। और अगर बंद ना भी कर पाए फिर भी प्रेगनेंसी में देखा गया है कि दौरा आने का रिस्क कम हो जाता है। डिलीवरी के टाइम पे प्री एक्लेम्प्सिया, जिसमें मरीज को दौरा आ सकता है या मरीज स्टेटस में भी जा सकता है, वो रिस्क बढ़ जाता है जिन मरीजों में दौरा आता है। तो बेसिकली प्री कंसेप्चुअल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फीमेल पेशेंट्स हैविंग सीजर्स। बच्चों में अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बताया, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जो कीड़े की गांठ है, उसके कारण दौरे अक्सर आते हैं। छोटे बच्चों में बुखार से आ सकते हैं। यंग एज ग्रुप में चोट, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा ओल्ड एज में ट्यूमर्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम का कम हो जाना, स्ट्रोक हो गया, ये सारे इम्पॉर्टेंट कारण हैं जो मरीज को दौरा पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये दौरा ही है जो मरीज को आया है। तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं? अचानक से खड़े खड़े गिर जाना, हाथ पैर में झटके आना, मुंह से झाग निकलना, बेहोश हो जाना, जीभ काटना, पेशाब निकल जाना, ये एक प्रकार के दौरा हो सकता है। मेजॉरिटी केसेस में दौरा जो है वो 15 से 20 सेकेंड तक रहता है। कुछ केसेस में जिसमें मरीज बेहोश हो जाता है, यूजुअली 5-10 मिनट में देखा गया है कि उसे होश वापस आ जाता है। दौरा कई और प्रकार का भी हो सकता है। अचानक गुमसुम हो जाना, रास्ता खो जाना, हाथ में चेहरे पे सुन्नपन आना या फड़फड़ाना, सुबह उठते ही झटके लगना, ये सारे भी दौरे के ही प्रकार हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जब दौरा आता है तो मरीज को क्या सावधानी बरतनी होती है। यदि मरीज ने चश्मा पहना हुआ है तो उसे उतार दें, कुर्सी पे बैठा हुआ है तो उसे लेटा दें, एक साइड करवट दिलाएं ताकि उसका थूक जो है वो निकल पाए, मुंह में कोई चम्मच या कपड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अक्सर देखा गया है कि मरीज को जब भी दौरा आता है कोई ना कोई ज़बरदस्ती उसके मुँह में चम्मच डालना और जूता सुंघाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देता है। प्लीज़ वो सब ना करें, वो मरीज़ के लिए अच्छा नहीं है। उसके दौरे को रोकने की कोशिश ना करें, वो अगर हाथ पैर मार रहा है तो ज़बरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, कई बार इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है कि मरीज़ की हड्डी तक टूट जाती है आपके दबाव से। यदि दौरा आना शुरू हो गया है तो उसे आने दें, 15 से 20 सेकेंड का वेट करें, मेजॉरिटी केसेस में इतने समय में दौरा रुक जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, मरीज़ के आसपास कोई भी शार्प चीज़ें ना हो जिससे वो खुद को हानि पहुंचा सके, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसे हटा दें और फिर अपने डॉक्टर से सलाह करें, उनसे हेल्प मांगें मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर। जब मरीज़ हॉस्पिटल आता है तो उससे बेसिक हिस्ट्री ली जाती है, उसको ड्रिप स्टार्ट की जाती है, कुछ एक दवाइयाँ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं, उनकी ब्लड शुगर चेक की होती है, उनका बीपी देखा जाता है,
अगर दौरे लगातार आ रहे हैं तो कुछ एक इंजेक्शन लगाया जाता है दौरे को रोकने के लिए। सस्पिशन के आधार पे मरीज का सीटी या एमआरआई या ईईजी जो जांच जरूरी है वो कराई जाती है। देखिए, आज के टाइम में अगर हम रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं तो 90% ऑफ द टाइम हमें रिलीफ मिल जाता है। 70% केसेस में 2 से 3 साल के बीच में हम दवाई बंद कर पाते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि इस दौरान आप अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें। बाकी बचे हुए केसेस में हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा समय लगे उसे कंट्रोल करने में। 5 से 10% केसेस में ऐसा भी पाया जाता है कि एक दवाई से दौरे कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, उन केसेस में एक से ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी का भी कुछ केसेस में रोल पाया गया है, खासकर से जब मल्टीपल दवाइयों के बावजूद भी दौरे पूरी तरह कंट्रोल ना हो पाए या फिर दवाइयां मरीज टॉलरेट ना कर पाए, या इसके कुछ एक और क्राइटेरियाज भी हैं। पर सर्जरी का डिसीजन बहुत ही कम केसेस में लिया जाता है, और सर्जरी से पहले कुछ एक टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशल टेस्ट, जिसके आधार पे ये फैसला लिया जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जिन मरीज को दौरे आते हैं वो आग के पास ना जाए, पानी में ना जाए, स्विमिंग अवॉइड करें, ड्राइविंग ना करें। यदि ऐसे में किसी भी समय पे मरीज को दौरा आ सकता है तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। ध्यान रखें, टाइमली स्लीप लें, अपनी डाइट अच्छी लें, हेल्दी डाइट लें, साफ सुथरा खाना लें। बेसिकली जो अनकुक्ड या सेमी कुक्ड फूड होता है, चाट पकौड़ी, ये सब थोड़ा अवॉइड करें। अब हमारे पास दौरा रोकने के लिए कई एक दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, फ़ायदे ज़्यादा है, और नाना करते हुए 15-20 प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है। बहुत ज़रूरी है आप समय पर अपनी दवा लें, रेगुलर दवाई लें, अपने अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, आप और हम मिलकर इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो घबराए नहीं, अपने मरीज का इलाज करें। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो, आपको कोई और क्वेरी हो, तो आप मेरे से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।